तो ये हमारा जिकोबियन इन कैरोलाइन ड्रामा में नेक्स्ट लेक्चर है। तो शुरू करते हैं। जॉन वेस्टर रोट अ नंबर ऑफ प्लेज, उसने भी बहुत सारे प्लेज लिखे हैं। सम इन द कोलेबोरेशन विद अदर बास प्लेज उसने ऐसे लिखे हैं, औरों के तावन से और राइटर उनके हाथ है। हिज बेस्ट नोन प्लेज आर द वाइट डेवल, उसके जो सबसे मशहूर प्लेज हैं उनमें से द वाइट डेवल, वेटर्स ऑफ केरोमबेना एंड डचेस ऑफ माल्फी, विच आर फुल ऑफ फिजिकल हॉरर्स। यानी ये ऐसे प्लेस है जिसके अंदर कोई फिजिकल डरावना है। इन द फॉर्मल प्लेस, उससे पहले जो प्लेस निकी है, द क्राइम्स ऑफ द इटालियन ब्यूटी सिटोरिया एकोरम्बेना आर डिस्क्राइब इन द मोस्ट फैसिनेटिंग मैनर। यानी उसके वो प्लेस के अंदर जो है, द प्ले द क्राइम ऑफ द इटालियन ब्यूटी साइटोरिया एकोरम्बोना आर डिस्क्राइब इन अ मोस्ट फैसिनेटिंग मैनर। यानी ये प्ले जो है बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज में बयान की गई है। द डचेस ऑफ माल्फी इज अ ट्रेजेडी ऑफ अ यंग विडोड डचेस। यानी ये जो है एक ट्रेजेडी है, डचेस ऑफ माल्फी जो है अ यंग विडोड, एक जवान बेवा जो है डचेस, और उसने वो अपने वो जो है वो जादू, यानी अपने आप से उसने वो कोई जादूगर जैसी वो बनाई। हु इज ड्रेवन टू मैडनेस एंड डेथ बाय हर टू ब्रदर्स, और उसको वो आहिर जो है वो पागल बना दिया गया, और उसको जो है वो मतलब हद तक उसको वो उन दो भाइयों की वजह से उसको वो डेथ तक वो मतलब उसका वो जो मौत वाला हालत बना दिया। बिकॉज शी वॉज मैरिड विद हर स्टीवर्ड, क्योंकि वो उसने अपने निगरान के साथ या स्टीवर्ड के साथ उसकी शादी की, जिसका नाम था एंटोनियो। द प्लेस फुल ऑफ पैथोस एंड टचेस अ फाइन पोएट्री। इस प्ले के अंदर आपको पैथोस, पैथोस शायद आप लोग जानते हो, यानी किसी को किसी से एक काम करवाना, मिन्नत हो या वो जो है रो के जरिए, या उनके साथ आप हाथ जोड़ते हो, उनके पास जाते हो, मिन्नतें करते हो, इन फाइन पोएट्री का एक मिसाल है। दो अ मेलो ड्रामा इज फुल ऑफ हॉरर, अगर ची मेलो ड्रामा जो हॉरर से यानी डर से फुल है, इन अनबियरेबल सफरिंग, और ऐसे सफरिंग ऐसे दर्द जो कि नाकाबिल बर्दाश्त हो। इट हैज बीन रेस्ड टू अ लॉफ्टी प्लान बाय ट्रूली पोएटिक गिफ्ट। यानी ये जो है ट्रूली पोएटिक अंदाज की वजह से बहुत ज्यादा आगे चली गई है। अब द ड्रामाटिस्ट, उस ड्रामाटिस्ट में हु हैज अ नेक ऑफ कोइनिंग अनफॉरगेटेबल फ्रेजेस, जिसके साथ ये एक तरतीब था जो बहुत अच्छे अच्छे फ्रेज वो लाते थे अपने ड्रामास के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास राइटर है जॉन फ्लेचर। तो ये हमारे पास कौन था, रोड अ फ्यू प्लेस, उसने जन प्लेस लिखी विच मेड हिम फेमस, जिसकी वजह से वो मशहूर है। देन ही देन एक्सप्लॉइटेड हिज रेपुटेशन, फिर उसने अपना रेपुटेशन खराब की टू द फुलेस्ट एक्सटेंट बाय ऑर्गेनाइजिंग अ काइंड ऑफ वर्कशॉप, और उसने एक बेवकूफान उसने एक इस हद तक उसने रेपुटेशन को एक्सप्लॉइट किया कि उसने एक बहुत बड़ा वर्कशॉप यानी जगह बना दिया, जिधर बहुत सारे राइटर हुआ करते थे, और उसने बहुत ज्यादा प्लेस लिखते थे। प्लेस मोर रेपिडली इन द कोलेबोरेशन विद अदर ड्रामाटिस्ट इन अदर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड, क्योंकि वो उसी वक्त का जो ग्रोइंग डिमांड था, जो लोगों को चाहत था, उस चाहत पे अपने आप को पूरा उतरने के लिए उसने एक जगह बना दिया जिधर बहुत सारे ड्रामाटिस्ट उसके साथ हुआ करते थे, और कोलेबोरेशन में और अकेले में वो लगे हुए होते थे और ड्रामाज वगैरह लिखते थे। द प्लेज विच ही रोट इन द कोलेबोरेशन विद फ्रेंसिक ब्यूमेंट, वो प्लेज उसने फ्रेंसिक ब्यूमेंट के तावन से जो लिखी गई, आर द कॉमेडीज, वो कॉमेडीज है सच एज, वो उसके मिसाल द स्कॉर्नफुल लेडीज, यानी एक कॉमेडी है। द नाइट ऑफ द बर्निंग पेजल, यानी एक दूसरा उसने वो कॉमेडी लिखी है। ट्रेजिडी ट्रेजिक कॉमेडी, उसने ट्रेजिक कॉमेडी लिखी है, लाइक फ्लेस्टर्स प्योर ट्रेजिडी उसने लिखी है, सच इज द मैड्स मैड्स ट्रेजिडीज, अ किंग एंड नो किंग, यानी वो ट्रेजिडीज उसने लिखी है। द नाइट ऑफ द बर्निंग पेजल्स इज द गेस्ट,
एंड द लिविस कॉमेडीज, ये जो प्ले है द नाइट ऑफ द बर्निंग पेजल जो है सबसे नुमाया प्लेज में से है, कॉमेडीज में से है ऑफ दैट टाइम, उस वक्त का, एंड इट हैज सच अ फ्रेशनेस दैट इट सीम टू हैव रिटन ओनली यस्टरडे, और अभी भी जब इसको आप देखते हो तो इसको इस तरह लगे किसी ने कल लिखा है. Plestus and the Mad's tragedies are written in Shakespearean style. या excuse हो सकता है वो Shakespearean style में लिखी गई हैं. But they have no outward, but they have more outward charm than the real merit of. यानी उसका वो यानी वो आगे चले गए हैं. यानी उसका जो real merit है उस हद तक जो तो नहीं, लेकिन फिर भी जो है वो आगे चले हैं. यानी जिस हद तक उसको आगे ले जाना चाहिए थे इतना आगे नहीं, लेकिन फिर भी वो आगे चले हैं. फ्लेचर एलोन रोट अ नंबर ऑफ प्लेज, उसने अकेले भी चंद प्लेज लिखी है. ऑफ विच द बेस्ट नोन्स आर द ट्रेजेडीज ऑफ द वेनेटेनियन, उसने एक ट्रेजेडी अपने अकेला जो उसने काम की है उसमें से सबसे मशहूर जो है द ट्रेजेडीज ऑफ वेनेटेशन, द ट्रेजेडीज ऑफ बुडका एंड द रॉयल सब्जेक्ट द होमोरियस लेफ्टिनेंट हिज म्यूसर मॉन्सियर थॉमस इन द वर्ल्ड गोज गेज चेस आर फाइन कॉमेडीज. यानी उसके वो जो चंद प्लेज में से ये भी है. अब हमारे नेक्स्ट जो है वो फेरत मैसेंजर है, उसने रोट ट्रेजडीज एस, उसने ये ट्रेजडीज लिखे एस्टेरी एंड ट्यूडोर्ट इन द फॉल्स वंस, कॉमेडीज उसने लिखी है एज लिटिल फ्रेंच लायर द स्पेनिश कोरेट इन द बिगर्स बुश जो है उसकी कॉमेडीज है इन द कोलेबोरेशन विद फ्लेचर. फ्लेचर के यहाँ मैसेंजर कंबाइन हिज इंटेलेक्चुअलिज्म विद फ्लेचर लिवली ईज, उसने अपना अकल के साथ अपना इंटेलेक्चुअलिज्म के साथ फ्लेचर का जो आसानीपन था उसके ड्रामों में या जो ईजनेस था आसानी थी वो शामिल किया था. इट वॉज मैसेंजर हु डोमिनेटेड द स्टेज आफ्टर फ्लेचर, ये सिर्फ मैसेंजर रहा जिसने स्टेज को बरकरार रखा फ्लेचर के बाद. ही रोट 37 प्लेज, ये भी आपके एमसीक्यूज हो सकते हैं कि शेक्सपियर ने भी 37 प्लेज लिखी है और कौन राइटर है 17th सेंचुरी का जिसने भी 37 प्लेज लिखी है, तो फिलिप मैसेंजर्स 37 प्लेज उसने लिखी है ऑफ विच 18 आर एक्सटेंट, जिससे 18 जो है अभी भी मौजूद है. इन हिज कॉमेडीज वी फाइंड द एग्जेजरेशंस एंड एक्सेंट्रिसिटीज, यानी इसके कॉमेडीज के अंदर बहुत सारे एग्जेजरेशन जो है आपको मिल जाएगी. विच आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिन जॉनसन, जो कि बिन जॉनसन का एक अंदाज था. ट्रेजेडीज वी नोटिस द रोमांटिसिज्म ऑफ फ्लेचर, इसके ट्रेजेडीज में हमें फ्लेचर के रोमांटिसिज्म नजर आते हैं. बट हिज मोस्ट इंडिविजुअल क्वालिटी बट द मोस्ट इंडिविजुअल क्वालिटीज ऑफ मैसेंजर प्लेज इज देट दे आर प्लेज ऑफ आइडियाज, ये आपको एमसीक्यूज हो सकता है. उसके प्लेज जो है वो प्लेज ऑफ आइडियाज है, प्लेज ऑफ आइडियाज मीन जो माइंड से रिलेटेड है. ही लव्स टू स्टेज ओरेटोरिकल डिबेट्स, ओरेटोरिकल डिबेट्स का मतलब ये है जो खुशी वाला तकरीर या खुशी वाला ऐसी डिबेट जिसमें कोई मजाहिया या फनी वो स्टेज से जाना हो या स्टेज पे कोई फनी बाजी करना हो. एज लॉन्ग एंड लॉन्ग प्लीडिंग बिफोर द ट्रिब्यूनल्स एंड लॉन्ग प्लीडिंग्स, प्लीडिंग का मतलब आप दलाइल जैसे वो बातें, एंड ट्रिब्यूनल का मतलब जिस तरह कानून का अदालत जैसे वो सजा हुआ है, तो उसका ये चाहत थी कि मैं प्लेस को सजाया जाऊं, इसके ऊपर जो है मैं खुशी वाला और लोगों को मैं हंसाऊं और कुछ कानूनी डिबेट में कर लूं. हिज बेस्ट कॉमेडीज आर अ न्यू वे टू द ओल्ड डिबेट्स द सिटी ऑफ मैडम एंड द गॉर्डियन, हिज इम्पोर्टेंट सीरियस प्लेज आर द फेटल डाउरी द ड्यूक ऑफ मिलियन द अननेचुरल कम्बैट द मैन ऑफ ऑनर द बॉन्ड मैन एंड द रिनियोडो द रोमन एक्टर द पैक्चर, ऑल ऑफ दीज अ न्यू वे
टू द ओल्ड डिबेट इज द मोस्ट सक्सेसफुल प्लेयर, इन सारे प्लेयर में सबसे सक्सेसफुल प्लेयर जो है वो यही है, इन विच ही द चीफ कैरेक्टर इज यूजर कमेंट्री कर रहे वगैरह देते हैं, जिसका नाम था सर चार्लिस उर रीच रिमाइंड अस ऑफ द बिन जॉनसन वोल्फोन। तो इससे हमें वो बिन जॉनसन के प्लेस का जो वोल्फोन कैरेक्टर है या वोल्फोन उसका एक वो हमें याद आता है। ऑल हिज प्लेस ऑल द प्लेस ऑफ मैसेंजर शो केयरफुल वर्कमैनशिप, यानी उसके जितने भी प्लेस है जब इसको आप देखते हो तो उसकी महारत का अंदाजा आपको लगता है। दो अ ग्रेट डिटोरिएशन हेड क्रिप्ट इन द आर्ट ऑफ ड्रामा एट द टाइम व्हेन ही वाज राइटिंग, अगरचे वो राइटिंग क्वालिटीज में बहुत ज्यादा वो कमी आ चुकी थी जिस दौरान वो लिखता था, व्हेन नॉट इंस्पायर्ड इन ही बिकेम वो किसी से इंस्पायर भी नहीं हुआ था फिर भी जो है वो एक मोनोटोनस इंसान बन गया। मोनोटोनस का मतलब ये है कि एक ऐसा इंसान जो बहुत ज्यादा अच्छे अंदाज से एक चीज को पेश करता है। ऑल द प्लेस ऑफ मैसेंजर शो केयरफुल वर्कमैनशिप दो अ ग्रेट डिटोरिटेरियन का मतलब ये है जब क्वालिटी में कमी आता है या रिड्यूस आता है। एट क्रिप्ट इन द आर्ट ऑफ ड्रामा व्हेन ही वाज राइटिंग, उसी टाइम पे वो आर्ट ऑफ ड्रामा में कमी भी आ चुकी थी लेकिन इसके बावजूद भी वो बड़ा राइटर रहा है। व्हेन नॉट इंस्पायर्ड व्हेन ही बिकम मोनोटोनस का मतलब ये है कि एक लहजे या सुर में अदा करना एक खास अंदाज में मोनोटोनस, यानी उस दौरान जब क्वालिटीज ड्रामा की क्वालिटी में बहुत ज्यादा कमी आता था उस दौरान भी वो बहुत ज्यादा सुर वाला राइटर बन गया। ही इज ऑलवेज कॉन्स्पिशियस राइटर, वो अमूमन जो है बहुत ज्यादा फरशनास राइटर हुआ करता था। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा नेक्स्ट लेक्चर। अब हमारे पास दो राइटर्स रहते हैं जॉन फोर्ड एंड जेम्स शिरले, तो इसके ऊपर भी हम लेक्चर अपलोड करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम।